तीन बार उनको बताना होता है, तो एक बार मेरी नजर पड़ गई थी कल, उसमें दिनेश अदलखा जी की तरफ से जो डिक्लेरेशन दिया गया है उसमें उन्होंने कहा है कि उन पर दो FIR है। मैं जो उनका डिक्लेरेशन है वो आपको दिखाता भी हूँ और इसके साथ साथ हम दर्शकों को भी दिखाएंगे। ये देखिए, ये है, ये नोटिस C1 लगा हुआ है जी। इसमें मैंने अखबार का स्क्रीनशॉट ही लिया है और उसमें इन पर पहला केस जो उन्होंने दिखा रखा है वो पहला केस है इनके पास, वो सेशन जज भिवानी की अदालत में चल रहा है वो। और जो FIR हुई थी वो FIR नंबर 14 है 2/7/2022, धारा है 420, 467, 468, 471, 120B IPC। ये बड़ी संगीन आपने जो बताई है धाराएं हैं जी, जिसको आम देसी भाषा में कहते हैं ना 420C। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा में विधानसभा का चुनाव चल रहा है, चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने पिछले कुछ चुनावों से कुछ नियमों में बदलाव किया था। एक बदलाव ये था कि जो कैंडिडेट हैं चुनाव लड़ रहे हैं अगर उन पर कोई आपराधिक मामले हों तो वो उसकी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करें, समाचार पत्रों में इश्तेहार छपवाएं और उसके अंदर बताएं कि उनके ऊपर जो FIR दर्ज हैं, आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनका स्तर कौन सा है, उनका कारण क्या है, क्यों उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है और उसमें स्टेटस क्या है केस का। ये तमाम कैंडिडेट्स के साथ ऐसा है, जिन पर भी कोई FIR दर्ज हो तो वो अपना डालें। दूसरी तरफ चलते हैं तो चुनाव के अंदर तमाम नेताओं के बोर्ड होर्डिंग लगे होते हैं जिस पर लिखा होता है, आप देख लें तो किसी नेता के साथ लिखा होगा सच्चाई और ईमानदारी, तो नॉर्मल शब्द है। इस मुद्दे पर चर्चा में हूँ, मैं बताऊँगा आपको चर्चा का विषय क्या रहेगा। देवेंद्र सुरजेवाला जी मेरे साथ मौजूद हैं जी। सुरजेवाला जी राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, गहरी पकड़ भी है, इसके साथ साथ हरियाणा सरकार के बड़े पद से क्लास 1 ऑफिसर से सेवानिवृत्त भी हैं और जिस विधानसभा क्षेत्र को खासकर लेकर मैं बात करूंगा वहां के वोटर भी हैं जी। बड़खल विधानसभा क्षेत्र के वोटर हैं आप जी। हाँ, बड़खल विधानसभा क्षेत्र के आपके कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के दिनेश अदलखा। हाँ जी। एक समाचार पत्र में मैं उनका एक एफिडेविट टाइप फॉर्म C वाला एक डिक्लेरेशन देख रहा था। हाँ। जिसका घोषणा पत्र होता है। हाँ। जिसमें उनको बताना होता है कि जी चुनाव आयोग की जो नियम है, मर्यादाएं हैं, उसके हिसाब से कि उन पर कोई आपराधिक सार्वजनिक करें। तीन बार इश्तेहार, आप तो चुनाव वाली प्रक्रिया से जुड़े रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तीन बार उनको बताना होता है। हाँ। तो एक बार मेरी नजर पड़ गई थी कल, उसमें दिनेश अदलखा जी की तरफ से जो डिक्लेरेशन दिया गया है जी, उसमें उन्होंने कहा कि उन पर दो FIR है। मैं आपको उनका वो जो डिक्लेरेशन है वो दिखाता भी हूँ मोबाइल में। ठीक है। और इसके साथ साथ मैं जो उनका डिक्लेरेशन है वो आपको दिखाता भी हूँ और इसके साथ साथ हम दर्शकों को भी दिखाएंगे। ये देखिए, ये है, ये नोटिस C1 लगा हुआ है जी। हाँ जी। इसमें मैंने अखबार का स्क्रीनशॉट ही लिया है। हाँ हाँ। और उसमें इन पर पहला केस जो उन्होंने दिखा रखा है जी, वो पहला केस है इनके पास, वो सेशन जज भिवानी की अदालत में चल रहा है वो जी। और जो FIR हुई थी वो FIR नंबर 14 है 2/7/2022। ठीक है। यानी कि आज से 2 साल लगभग, और लगभग 1.5 महीना पहले की। हाँ। FIR करवाई है वो स्टेट विजिलेंस ब्यूरो हिसार ने जी। FIR का स्टेटस, FIR जो है जी, वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 सेक्शन 7 और सेक्शन 7A में है जी। अदलखा साहब ने इसके अंदर जो डिक्लेरेशन दिया है वो कह रहे हैं कि चार्जशीट हैज़ बीन फिल्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, श्री दिनेश अदलखा हैज़ नॉट बीन इम्प्लीटेड एज एन एक्यूज्ड इन द चार्जशीट एज नो एविडेंस वाज फाउंड अगेंस्ट हिम। पहली FIR की चर्चा करते हैं। ऐसा है जैसे कि आपने कहा कि चुनाव आयोग ने कुछ संशोधन किया है चुनावी प्रक्रिया में जी। इसके तहत एक तो ये है कि भी हर उम्मीदवार को जो चुनाव लड़ रहा है उसको एक एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा। वो रिटर्निंग ऑफिसर के साथ जब अपना नामांकन पेश करता है तो एक एफिडेविट फाइल करता है और एक ओथ भी लेता है वो जी। शपथ भी होती है। बिल्कुल। शपथ पत्र भी देता है, शपथ लेता भी है। हाँ।
कि जो मैं कहूँगा वो सच कहूँगा, सच के सिवा नहीं जी। तो उसमें जो जानकारियाँ दी हैं सारी सच, जो जानकारी है वो सारी सही जी। तो चाहे वो अदलखा जी हो कोई हो, उनको सबके लिए है, सबके लिए बराबर है वो रूल है। हाँ, तो इन्होंने भी उस प्रक्रिया का पालन किया है, किया होगा और चुनाव लड़ रहे हैं। एक बोर्ड मैंने भी देखा जिसके ऊपर अदलखा जी की तरफ से है कि भाई ईमानदार और आपके वो सत्य के सिपाही और न जाने कितने क्या क्या, ये तो आजकल आप ये मान लो कि तकिया कलाम हो गया जैसे। चलिए जो जो भी कैंडिडेट होते हैं हम उस पे उनकी इस बारे में कोई वो नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे जी, हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उनका अधिकार है वो कहें और अपने आप को जाहिर करें जी। लेकिन जैसे कि ये आप दिखा रहे हैं और जो मुझे जानकारी है, स्टेट विजिलेंस ने उनके खिलाफ एक FIR दर्ज करवाई जी, जो आम बात हर आदमी इस बात की जानकारी रखता है, वो फरीदाबाद शहर का वासी और वो कोर्ट में सेशन जज कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है जी। चार्जशीट फाइल की गई है और पुलिस के पास कई बार ये बड़ी आम चर्चा थी कि वो गिरफ्तारी के लिए भी उनका पुलिस जो है ना उनका पीछा करती रही धरपकड़ के लिए। ये FIR मुझे लगता है कि वही थी जो हरियाणा मेडिकल काउंसिल के ये जो फार्मेसी काउंसिल के ये चेयरमैन थे और इनकी भाई वहाँ पे जो लाइसेंस इशू होते हैं वो आफ्टर ऑल चेयरमैन के ही तो जारी किए जाते हैं बाद में। तो ये तो इन्वॉल्वमेंट क्या, शायद वहाँ के बाबू गिरफ्तार भी हुए थे उस ज्यादा बिल्कुल हुए थे और ये गिरफ्तारी से बचते हुए मुख्यमंत्री आवास पे 2-3 महीने छिपते भी रहे हैं, ये भी जानकारी है। फरीदाबाद के हर नागरिक को इस बात की बखूबी जानकारी है कि ये 2-3 महीने मुख्यमंत्री आवास पर छिपे रहे। अब FIR दर्ज हो गई और उसके बाद जो है ना चार्जशीट भी फाइल कर दी है। अब ये केस तो कोर्ट में है, कोर्ट लेट द कोर्ट बी डिसाइड द केस, जैसा फैसला आएगा उसके बाद ये नापाक वो होंगे या पाक साफ होंगे। वैसे तो कह रहे हैं कि डिक्लेरेशन तो दे रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कि जो पुलिस डिपार्टमेंट ने जो एक वहाँ पर एक प्रस्तुत के IO ने उसके अंदर इनको इम्प्लिकेटेड नहीं माना गया है भाई, यही तो लोगों में चर्चा रही पिछले दिनों कि सरकार का जो प्रभाव था, जो उसका असर था, उसका फायदा उठा करके इनको बचाया गया जी, ये आम चर्चा थी। अब ठीक है केस इनके, अब सवाल ये आ जाता है कि जब धुआं उठता है तो आग तो लगी है। हाँ देखिए ऐसा तो है नहीं भाई धुआं बगैर आग उसमें तो मुझे जहां तक ध्यान आता है अनिल विज खुद इन्वॉल्व थे। नहीं इन्वॉल्व नहीं थे, नहीं उनके बयान आते थे कि भाई FIR होगी, कार्रवाई होगी, इस इन्वॉल्वमेंट में ये नहीं। हाँ मैं इन्वॉल्वमेंट करप्शन या क्राइम में नहीं कह रहा हूँ, यस मैं इन्वॉल्वमेंट कह रहा हूँ FIR कराने में। नहीं नहीं वो इस बात के पक्षधर थे कि भाई जो कार्रवाई होनी चाहिए बतौर डिपार्टमेंट, चूंकि वो मिनिस्टर हेल्थ भी थे और मिनिस्टर होम भी थे। हाँ तो ये उनका उस वक्त बड़ा स्पष्ट संदेश था कि अगर ऐसा हुआ है तो उसके ऊपर दूध का दूध पानी का पानी होगा। हाँ मैं मेरा कहने का मकसद यही था, आपका मकसद सही है, इन्वॉल्व ये थे कि कार्रवाई हो और उसमें FIR हो, उसमें थे वो। जो रोल था, जो रवैया था वो बड़ा स्पष्ट था जी और वो लोगों ने सराहा। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री के बारे में जैसा कहा गया, चलो उन्होंने उनका बचाव किया, हो सकता है पुलिस के ऊपर कई बार बड़ा दबाव रहता है और उसको वो, लेकिन अब ये जब FIR दर्ज हो जाती है ना, खाली ये कहने से कि जी वो IO ने ये लिख के दे दिया है और वो उसको आप ये ना समझे कि वो ख़त्म हो गया मामला रफा दफा, अब ये कोर्ट के ऊपर है जब तक कोर्ट डिसाइड ना कर दे। हाँ अब ये कोर्ट को देखना है कि क्यों FIR दर्ज हुई, उसके कितना संगीन अपराध है, इनकी क्या इन्वॉल्वमेंट है, कितनी जो पहले FIR दर्ज हुई, जो रिपोर्ट पुलिस की है, जो चार्जशीट है पहली प्राथमिक, उसमें निर्भर करता है, वो कोर्ट उसके ऊपर ही तो डिसाइड करेगी कि इनका दोष बनता है कि नहीं बनता। अब ये खाली बाद में, बहुत बार ऐसा होता है पुलिस पे दबाव डाल के और वो उसको एक पेश कर दिया जाता है कि इनके तो वो मामले, कई बार आपने सुना होगा कि नेताओं का पुलिस के ऊपर दबाव है कि उसका नाम निकाल दो जी, फिर वार दो जी, नहीं नाम निकाले जाते हैं। मैं कह रहा हूँ चार अपराधी होते हैं, कई बार ऐसा कई बार हुआ, मैक्सिमम एक FIR दर्ज हुई जी, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, FIR क्लोज हो गई। FIR क्लोज की एक प्रक्रिया है पूरी, हाँ आईओ उसमें जीवनी लिखता है,
आईओ के बाद एसएचओ के पास जाती है, एसएचओ के बाद डीएसपी के पास जाती है, डीएसपी के बाद एसपी के पास जाती है, कई बार एसपी फिर कहता है इसको रीइन्वेस्टिगेशन करो, उसके बाद इलाका मजिस्ट्रेट की होती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट होती है, उसके बीच में भी कई बार ऐसा होता है। मैंने कई केस देखे हैं कि जब उसने क्लोज कर दिया, आईओ ने क्लोजर रिपोर्ट डाल दी और कोर्ट ने कह दिया, वो कई बार जो आप कह रहे हैं ना, वो एफआईआर लॉज होने से पहले, चार सीट प्रस्तुत होने से पहले की प्रक्रिया तो मान लेते हैं, लेकिन जब चार सीट हो जाता मामला कोर्ट में चला तो पुलिस के पास से नहीं होता फिर, तो पुलिस की तो रिपोर्ट तो जाएगी। हाँ। उसको कंसीडर करे ना करे वो कोर्ट डिसाइड करे। खैर वो लंबा विषय है, लंबा विषय है भी, कोर्ट क्या फैसला देगी, दोषी ठहराएगी कि ना ठहराएगी। मेरी चर्चा का विषय था, मेरी चर्चा का विषय था करप्शन एक्ट में पर्चा। अगर एक बंदा दोषी है, आप देखिए चुनाव आयोग का ये कानून में संशोधन लाना उसकी क्या मंशा है, और उसके साथ एफिडेविट दे दिया, ठीक है बंदे ने, लेकिन अब ये जो आपने कहा ना कि तीन बार उसको वो सार्वजनिक करना होता है जी, जो उनके ऊपर कोई ऐसे आरोप है, एफआईआर है, वो उसके पीछे मंशा यही है कि चुनाव आयोग ये चाहता है जनता को पता हो, जनता को ये पता चले कि हमारे जो उद्धार करने जा रहे हैं श्रीमान जी, उनका क्या चाल है, क्या चेहरा है, क्या चरित्र है, क्या नियत है, क्या नीति है। हमारा भी पूरे चुनाव में मकसद यही है कि जनता को पता चले कि उनके जनप्रतिनिधि है, उनकी नीतियाँ क्या है, कार्यक्रम क्या है, पॉलिसीज क्या है, चाहते क्या है, करेंगे क्या, चरित्र क्या रहा है। चलिए तो वो मंशा है, वो हमारे सामने उजागर हो रही है। सुरजेवाला जी एक एफआईआर और है जी, जो मैं आपको बता रहा था अभी, वो दूसरी बताता हूँ जी। इसमें जो खुद इन्होंने डिक्लेरेशन दिया है जी, दिनेश अदलखा सन ऑफ श्री लेट श्री बांके लाला अदलखा जी एंड कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन फॉर, वो तो ठीक आगे चलिए, क्रिमिनल जो उनका दे रखा है उसमें दूसरी एफआईआर है जो जी हाँ, इसमें कोर्ट का नाम तो नहीं लिखा हुआ, एफआईआर नंबर 261 डेटेड 6/3/2018 पुलिस स्टेशन सेंट्रल फरीदाबाद हरियाणा जी, ये अभी चार्जशीट पेश नहीं की होगी। द मैटर हैज़ बीन कंप्रोमाइज्ड बिटवीन द पार्टीज एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैज़ फिल्ड द कैंसिलेशन रिपोर्ट, फाइल्ड द कैंसिलेशन रिपोर्ट, द सेम इज पेंडिंग विद हायर पुलिस अथॉरिटीज जी। ये है ना, जिन हायर अथॉरिटी सेक्शन में, जिन सेक्शन में मुकदमा है, मतलब पेंडिंग है अभी, हाँ जिन सेक्शन में मुकदमा है भी, आप धारा है 420 फर्जीवाड़ा, बड़ी संख्या 467 ओ 468 वाह 471 शाबाश 120 बी आईपीसी हाँ, जो अब आईपीसी से बदल गया है। नहीं ये पुराना एफआईआर तो उसी सेक्शन में होगी। बात ये है कि ये बड़ी संगीन आपने जो बताई है धाराएं हैं जी, जिसको आम देसी भाषा में कहते हैं ना 420 हाँ, ये 420 तक मुझे ध्यान है, मैं पूरा पक्का तो नहीं हूँ, इनका कोई ऐसा डिस्प्यूट था जिसके अंदर एफआईआर हुई थी, और उनके साथ में धनेश जी के साथ में कुछ और लोग भी थे इनके फैमिली के, और जमीनी कागजों की जमीनी कागजों का कोई दस्तावेजों का कुछ ऐसा इशू था। बड़ी बात आ जाती है कि पहला वाला केस जो है वो करप्शन सरकार ने करवाया, दूसरा वाला करप्शन का ही है, 420 का है जिसमें 120 भी इन्वॉल्वमेंट, उसके जो 420 जो 67, 68, 71 है जी, ये इसके अंदर जो मैक्सिमम उम्र कैद की सजा का प्रावधान होता है, बड़ी संगीन है अपराध। सबसे मेन ये कि कागजों का पेपर्स के साथ में मतलब डॉक्यूमेंट्री छेड़छाड़ है, गलत दस्तावेज बनाना, गलत दस्तावेज तैयार करना, इस टाइप की धाराएं ही है, बिल्कुल नहीं है ये। एक अगर सुरजेवाला जी किसी व्यक्ति पर जी 1, 2, 4, 6 एफआईआर दर्ज हो, 323 की, 506 की, 324 की, 326 की, 107-51 की, तो लोग कहेंगे ये व्यक्ति आपराधिक झगड़ालू प्रवृत्ति का आदमी, आपराधिक प्रवृत्ति का झगड़ालू, वही अपराध तो सारा हो गया, झगड़ालू का, मारपीट का, झगड़ा करने का, लड़ाई झगड़े का। अब दूसरा आ जाता है कि अगर किसी पर एफआईआर क्राइम अगेंस्ट वीमेन हो जाए 1, 2, 3, 4 तो कहेंगे जरायम पेशा टाइप का आदमी है व्यक्ति जी, ठीक है। किसी पर करप्शन वाली अगर धाराएं हो तो इस टाइप की हो तो फिर आ जाता है करप्शन का, करप्शन वाला आ जाता है जी, जनता क्या समझे। नहीं जैसा कि ये आपने पढ़कर सुनाया कि आपस में समझौता हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया, कैंसिलेशन के लिए नीचे के सतर के जो अधिकारी हैं उन्होंने दबाव में या कैसे भी या सच मान के जो भी जो भी हुआ
वो उनको आगे कैंसिलेशन के लिए उन्होंने रिपोर्ट नीचे के निम्न अधिकारियों ने पुलिस के वो आगे पेश कर दी। लेकिन ये कहा गया है कि वो उच्च अधिकारियों हायर अथॉरिटीज और पुलिस डिपार्टमेंट अभी पेंडिंग है। अगर ऐसा होता तो पेंडेंसी तो जो सर्विस हमारा जो एक्ट है हरियाणा के अंदर उसके तहत पेंडिंग तो उच्च अधिकारी कोई भी केस रखते नहीं। वो तो राइट टू सर्विस एक्ट के तहत जो है ना आप या कोई भी क्लेम कर सकता है राइट टू सर्विस एक्ट में भी अगर किसी के साथ कोई है तो उसको इंसाफ मिले जी। तो ये पेंडिंग का जरा मामला कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ तो उसमें संगीन या कोई उसमें कमी या दोष या कुछ जो होगा जो उच्च अधिकारी ने उसको रोक लिया, वरना नीचे से आया था तो वो भी उसको कैंसिल नहीं हुई मतलब। हाँ, और कैंसिल एफआईआर ऐसे आसानी से होती नहीं है, कोर्ट में जाके ही होती है। कैंसिल तो कोर्ट में जमा होगी। हाँ, तो ये उसके बाद इलाका मजिस्ट्रेट तय करता है। हाँ, खैर ये लंबे विषय है कि सजा हो या ना वो हो, बात ना, की बात है। ना किसी को इससे कोई लेना ना किसी का कोई देना इन बातों से। हमारा चर्चा का मकसद ये नहीं, ठीक है कि विधानसभा क्षेत्र के लोग जाने, लोग ये जाने कि हम जिसको चुनने जा रहे हैं कोई भी हो, अजलखा हो, विजय प्रताप हो या ये जो दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी दल से हो, ये चुनाव आयोग की जो मर्यादा है नियम है उसके तहत है। मंशा भी है कि मतदाता ये जान ले कि जिसको हम चुन रहे हैं हमारा वो कैंडिडेट तो इसके लिए अच्छे खासे पैसे दे के डिक्लेयर करते हैं और हम तो जनता को जागरूक करने के लिए वैसे। हमारा तो मकसद यही है कि जनता जान ले, वो आईना दिखा दिया है आपने, आपने एक आईना दिखा दिया उसमें चेहरा फिट कर दिए हैं, अब जनता फैसला करे कि किसको हमने अच्छे को किसको बुरे को हमने देखना है, चुनाव हमने उसमें से चयन करना है जी अपने उम्मीदवार का, दैट्स ऑल। ये मुख्य मुद्दा है, जब संसद हो विधानसभा हो छोटी सरकारें कहीं भी हो चर्चा होती है कि जो उसके अंदर चुने हुए लोग हैं उन पर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं, ये हमेशा चर्चा का विषय रह जाता है। और तमाम संस्थाएं, तमाम एनजीओस, तमाम चुनाव आयोग से लेकर के और चुनाव में रुचि रखने वाले तमाम लोग चाहते हैं कि साफ सुथरी और स्वच्छ छवि के लोग सामने जाएं। सब चाहते हैं। एक बात और है जी, ये एक जनता को सचेत करने का भी एक संदेश है। वही वही कि वही। आप जिसको चुनने जा रहे हैं भाई देख लो। नहीं चलिए वो जनता खुद फैसला करती है। हाँ, जनता का ही फैसला है आपका। हमारा तो केवल एक मकसद है ये बताने का कि कौन कैंडिडेट, चाहे वो फरीदाबाद बड़खल के हो, आगे भी चर्चा जारी रहेगी जी। जिन लोगों के हमें दिखेंगे अखबारों में इश्तेहार बताएंगे आपको उनके बारे में भी, खासकर जो प्रमुख पार्टियों कैंडिडेट होंगे यानी कि हरियाणा के अंदर बीजेपी कांग्रेस लोकदल। आप हमारी बात से कितना सहमत हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।